दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा होटल मैनेजमेंट कोर्स के बारे में सबसे पहले बात करते हैं होटल मैनेजमेंट कोर्स क्या है दोस्तों होटल मैनेजमेंट कोर्स के अंतर्गत स्टूडेंट को वह सारी चीजें सिखाई जाती है जिनकी जरूरत हॉस्पिटेलिटी इंडस्ट्री आतिथ्य सत्कार में होती है अगर आसान भाषा में कहा जाए तो होटल मैनेजमेंट कोर्स में होटल को अच्छी तरह मैनेज करना लोगों से बात करने का तरीका होटल में आए अतिथि को अपनी सर्विसेज से संतुष्ट करना केटरिंग सर्विसेज आदि सिखाया जाता है दोस्तों होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो पहला होटल मैनेजमेंट में कोर्स के स्तर के अनुसार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग निर्धारित है स्टूडेंट होटल मैनेजमेंट के विभिन्न स्तर जैसे सर्टिफ़िकेट कोर्स डिप्लोमा कोर्स अंडर ग्रेजुएट कोर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन यहां तक कि होटल मैनेजमेंट में पीएचडी भी कर सकते हैं दूसरा होटल मैनेजमेंट में बैचलर डिग्री कोर्स करने के लिए स्टूडेंट ट्वेल्थ पास होना चाहिए हालांकि दसवीं के बाद भी होटल मैनेजमेंट में सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स किया जा सकता है दोस्तों होटल मैनेजमेंट के किसी भी स्तर के कोर्स में दाखिला लेने के लिए छात्र के बारहवीं में कम से कम 50 प्रतिशत मार्क्स होने चाहिए हालाँकि कुछ ऐसे भी संस्थान है जो पैतालीस मार्क्स आरोप भी एडमिशन देते हैं तीसरा होटल मैनेजमेंट कोर्स दसवीं के बाद भी कर सकते हैं इसलिए यदि आप दसवीं के बाद यह कोर्स करना चाहते हैं तो ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं जहां न्यूनतम क्वालिफिकेशन हाई स्कूल हो चौथा होटल मैनेजमेंट कोर्स को किसी भी स्ट्रीम साइंस आर्ट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट कर सकते हैं पांचवा यदि आप होटल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो स्टूडेंट का होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना होगा प्राइवेट इंस्टीट्यूट अपने खुद के एंट्रेंस टेस्ट आयोजित कराते हैं सिक्स होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए स्टूडेंट में बेहतर कम्युनिकेशन स्किल छोटी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तथा लोगों से मेल भाव जैसी स्किल होनी चाहिए क्योंकि बहुत से इंस्टीट्यूट के एडमिशन प्रोसेस में ग्रुप डिस्कशन और एप्टीट्यूड टेस्ट शामिल होता है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं बेस्ट होटल मैनेजमेंट कोर्स इन इंडिया दो की तो होटल मैनेजमेंट में विभिन्न स्तर पर बहुत से कोर्स उपलब्ध है आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और करियर विकल्प के आधार पर होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा या डिग्री कोर्स कर सकते हैं अब मैं आपको दसवीं के बाद होटल मैनेजमेंट कोर्स तथा बारहवीं के बाद होटल मैनेजमेंट कोर्स की लिस्ट बताता हूँ पहले हम बारहवीं के बाद बेस्ट होटल मैनेजमेंट कोर्स की बात करते हैं तो कोर्स कुछ इस प्रकार है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी बी एस सी इन हॉस्पिटलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए इन होटल मैनेजमेंट बी ए इन होटल मैनेजमेंट बीबीए इन Hospitality, ट्रेवल एंड टूरिज्म और डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट अब दसवीं के बाद होटल मैनेजमेंट कोर्स की लिस्ट की बात करें तो डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट डिप्लोमा इन होटल एंड Hospitality मैनेजमेंट डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी दोस्तों आप दसवीं के बाद होटल मैनेजमेंट में सर्टिफिकेट कोर्स करके भी मैनेजमेंट में करियर की शुरुआत कर सकते हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज कुछ इस प्रकार है सर्टिफिकेट इन फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन सर्टिफिकेट इन फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन सर्टिफिकेट इन हाउस कीपिंग और सर्टिफिकेट इन होटल एंड कैटरिंग मैनेजमेंट दोस्तों अब होटल मैनेजमेंट कोर्स की ड्यूरेशन की बात करें तो होटल मैनेजमेंट कोर्स की अवधि स्टूडेंट द्वारा चयन किए गए स्पेशलाइजेशन और कोर्स के प्रकार पर निर्भर करता है आमतौर पर होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा कोर्स की अवधि छह महीने से एक वर्ष होती है जबकि ग्रेजुएट लेवल कोर्स की अवधि तीन से चार वर्ष होती है यह इस पर भी निर्भर करता है कि आप किस इंस्टीट्यूट और देश से कोर्स कर रहे हैं अब फीस की बात करें तो होटल मैनेजमेंट कोर्स की फीस सरकारी कॉलेज में लगभग पचास हजार रूपए हो सकती है जो कि होटल मैनेजमेंट डिग्री कोर्स की फीस है होटल मैनेजमेंट सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स की भी फीस सरकारी कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज की अपेक्षा कम होती है होटल मैनेजमेंट में सर्टिफिकेट कोर्स की एवरेज फीस आठ से दस हजार होती है तथा डिप्लोमा कोर्स की फीस दस से बीस हजार होती है यह अलग अलग कॉलेज में कम या ज्यादा हो सकती है यदि आप होटल मैनेजमेंट में बैचलर डिग्री कोर्स करना चाहते हैं तो इसकी एवरेज फीस एक लाख रुपए से तीन लाख रुपए होती है या फिर चयनित स्पेशलाइजेशन के आधार पर ज्यादा या कम भी हो सकती है होटल मैनेजमेंट कोर्स फीस के बारे में निश्चित जानकारी आप चयनित कॉलेज इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट या कॉलेज जाकर प्राप्त कर सकते हैं होटल मैनेजमेंट कोर्स के लिए सरकारी कॉलेज की लिस्ट कुछ इस प्रकार है इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट आई एच एम बेंगलो Dr. Ambedkar Institute of Hotel Management, Catering and Nutrition, Chandigarh. Institute of Hotel Management, Gwalior. Delhi Institute of Hotel Management, Catering Technology. MJP Rohilkhand University, Bareilly. Government Institute of Hotel Management and Catering Technology, Nagpur. Banaras Hindu University, BHU. Government PG College, Himachal Pradesh. Food Craft Institute, Ajmer. मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी राजस्थान दोस्तों होटल मैनेजमेंट कोर्स के लिए टॉप एंट्रेंस एग्जाम इन इंडिया कुछ इस प्रकार है एन सी एच एम सी टी जी एमर यूजीएटी आई आई एच एम एच एट मेसरा होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम बीवीपी हम CET. दोस्तों होटल मैनेजमेंट कोर्स के बाद सैलरी कितनी मिल सकती है इसकी बात करें तो होटल मैनेजमेंट में विभिन्न स्तर पर कोर्स करके गवर्नमेंट व प्राइवेट सेक्टर में करियर की शुरुआत कर सकते हैं होटल मैनेजमेंट में सर्टिफिकेट कोर्स के बाद एवरेज वार्षिक सैलरी एक दशमलव पाँच लाख रुपए से लेकर तीन लाख रुपए होती है वही डिप्लोमा कोर्स के बाद एवरेज वार्षिक सैलरी दो से चार लाख रुपए होती है होटल मैनेजमेंट में बैचलर डिग्री कोर्स के बाद कैंडिडेट की वार्षिक सैलरी पाँच से दस लाख रुपए होती है होटल मैनेजमेंट कोर्स के बाद कैंडिडेट की सैलरी उसकी जॉब के प्रकार जॉब प्रोफाइल और एक्सपीरियंस पर निर्भर करती है होटल मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री कोर्स के बाद एवरेज वार्षिक सैलरी 8 से 12 लाख रुपए हो सकती है तो दोस्तों मैंने होटल मैनेजमेंट से जुड़ी सारी जानकारी देने का पूरा प्रयास किया है अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें